तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है चैप्टर 17, एनसीईआरटी का चैप्टर 17, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सुनते जाओ भाई लोग, सुनो हम लोग का आज का टॉपिक है ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर 17। ये हम लोग का नहीं भी नहीं तो मुश्किल से 6 से 7 लेक्चर जाएगा, ठीक है। पर इसको करने के बाद, ठीक है, तुम लोग को तो एनसीईआरटी पूरा होना चाहिए। जो क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से आ रहा है। ब्रह्मास्त्र तुम लोग का यही है, गीता ज्ञान जो बोलना बाइबल सब यही है, ठीक है। मेरा क्या कहना क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हम दो तीन बार टॉपिक से हटें, ठीक है। क्यों हटें? क्योंकि तुम लोग को क्लैरिटी देने के लिए कुछ कुछ जगह पे हम थोड़ा सा टॉपिक पे केमिस्ट्री और फिजिक्स रिलेट करेंगे। नहीं आ रहा होगा बोलना, हम वहां पे दूसरे तरीके से बताएंगे, पर करेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि सब रिलेटेड है। दूसरा बात क्या है, हम यहाँ से पढ़ा लें उसके बाद तुम कहीं से क्वेश्चन बनाना, ठीक। बीच में कोई हल्ला नहीं करेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक बार हमको पढ़ा लेने दो, फिर एक दिन डिस्कशन टाइम पूरा रख देंगे, ठीक है। जहां से क्वेश्चन उठा के लाना होगा, जहां से एलन का उठा लो, आकाश का उठा लो, जो मॉड्यूल तुमको उठाना होगा, कहीं से भी पुराना मॉड्यूल उठाना, बनाना, बताना, ठीक। उससे पहले क्या तुम लोग का क्या रहेगा, हम जो पढ़ाएंगे घर जाने के बाद ये चीज रिवाइज जरूर कर लेंगे, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा बात क्या है, विजन वाला बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज में स्टैंडर्ड विद इन ब्रैकेट्स, तो जरूरी है विजन, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला पार्ट। मेरा नाम है डॉक्टर शिवांश, ठीक है। तो देखो अगर तुम चैप्टर 17 देखोगे ना बाबू, तो तुमको एनसीईआरटी में यही नाम मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तुम अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो तुमको उसमें लिखा हुआ मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। रेस्पिरेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रखने की बात। अभी बताएंगे क्यों, अभी दया दृष्टि डाली जाएगी इस बात पे, खाली सुनते जाओ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा होगा पर रेस्पिरेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्यों, सुनो मेरा बात, ठीक है। पहला बात देखो, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब एक सिंपल सा बात, अभी बताऊंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या था, पढ़ाई स्टार्टिंग में फील्डिंग करेंगे, बताएंगे फील्डिंग क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब तुम जो एयर लिया, जो तुम एयर अपने अंदर उसको ट्रांसफॉर्म किया या उसको मॉड्यूलेट किया अपने हिसाब से, फिर उसको एक्सचेंज किया, ठीक। ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक। अब हम समझ में आएगा सब बात, दो तीन बात सुनो, ठीक है। देखो अभी ये जनरल फील्डिंग चल रहा है, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, फील्डिंग पर ध्यान देना, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग मतलब, फील्डिंग मतलब क्या, फील्डिंग मतलब वो सब बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो साइंस, साइंस वो साइंस जो आपको पहले से पता हो ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है। कुछ कुछ बातें करते हैं तो उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बड़ा है नहीं भाई, थोड़ा सा खत्म होगा, सुनो, ठीक है। पहला बात देखो क्या है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक वर्ड तुम लोग सुना होगा रेस्पिरेशन, वहां लिख दिया है, ठीक। रेस्पिरेशन क्या होता है, सुनो मेरा बात, क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन क्या होता है ना, सबसे पहले जाने से पहले कुछ बात सुनो, ई वर्ड पे दया दृष्टि डाला जाएगा, पहले मेरा कुछ बात सुनो। सुनो तुम ब्रीथ किया, सब कोई कर रहा है, डाउट है किसी को, ठीक, सब ब्रीथ कर रहा, तुम ब्रीथ किया, फिर गैस छोड़ा, एक्सहेल किया, इनहेल किया, दोनों चीज किया, ठीक है। ध्यान से देखो बाबू, तो यहाँ एक बहुत बड़ा बात हो रहा है, क्या हो रहा है कि तुम एक तो लंग्स से, एटमोस्फियर से लंग्स में एयर ले रहा है, ले रहा है, लंग्स से फिर कहां जा रहा है, ब्लड में, ठीक है, ब्लड से कहां जा रहा है, सेल में, ब्लड में ही सेल है, लो ना, होगा कोई अभी यहां पंचायती देने वाला, लो, ब्लड में ही सेल है, फिर सेल से कहां जा रहा है, अभी यहां आरबीसी लिख लो इज्जत देने के लिए, इसके बाद इधर क्या, फिर दूसरा सेल में, ठीक है, सर्कुलेटरी सेल है, लो और इज्जत दे लो, ठीक। अब बात ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे, ठीक है, यहां पे गया तुम्हारा, जो तुम एयर लिया, मान ले ओटू लिया, मान ले अभी भर के ओटू लिया, ओटू लिया, सर ओटू तो लेते हैं बट मान लो, ठीक, ओटू लिया, ओटू लिया, ओटू लिया, सेल में गया, अब सेल इस ओटू को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। मेरा कहने का क्या मतलब है, हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अभी कि हम लोग क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन क्या, तेल लेने, क्यों ब्रीदिंग करते हैं, जिंदा रहने के लिए, क्यों, ऐसा क्या हो गया सांस लेने से कि तुम जिंदा हो, अच्छा नेचुरल प्रोसेस है, वाह, प्रोसेस तो नेचुरल बाबू, हम ये नहीं पूछे कैसा प्रोसेस है, हम ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या हो गया तुम्हारे बॉडी में सांस लेने से कि तुमको जिंदा रखा जा रहा है, बोलो बोलो, अच्छा किसी चीज को जिंदा कब बोलते हो, मेटाबॉलिज्म हो तब, सही बात बोल रहा था, लेकिन ईवी स्टेटमेंट सही नहीं है, अब ये 9-10 वाला स्टेटमेंट है, कब बोलते हैं किस चीज को जिंदा, एक सेल है मान ले,
सुंदर सा बनाना ही पड़ेगा यार, ले सेल है सुंदर सा, ठीक। अब बताओ इसको जिंदा कब बोलोगे, कब बोलोगे कि सेल जिंदा है? क्या अच्छा वायरस तो वही मरा रहता है तब तो सोचो। देखो सुनो मेरे बात, किसी भी सेल को तुम जिंदा तब बोलते हो ना बाबू जब वो एटीपी बना सके, अगर एटीपी नहीं तो सेल का डेथ पक्का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बात ध्यान सुनना, ठीक है, कुछ कुछ बातें ध्यान सुनो, इसी में रिलेट हो जाएगा, जो तुमको सही लगे एक लाइन लिखने का लिख लेना, नहीं लगे फाड़ के फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम ऑक्सीजन, सबसे पहला क्वेश्चन, ह्यूमन ने ऑक्सीजन क्यों लिया? ह्यूमन ने ऑक्सीजन इसलिए लिया क्योंकि हम लोग जो भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं एनर्जी के लिए, उसका कराना जरूरी है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद ही वो एनर्जी देगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों ऑक्सीजन लिए? ताकि जो भी खाना खाए हैं, चाहे वो प्रोटीन हो सर, ग्लूकोज हो, चाहे वो फैट हो, सबका क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। याद रखे बात, क्यों हम लोग सांस लेते हैं? क्योंकि हमको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कराएगा क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ सबको पता है कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई दिक्कत है नहीं? तो इतना समझ लोग आ गया कि हम लोग क्यों सांस लिए, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है कि हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन गया कहाँ? गया सेल में गया, ठीक, सेल में गया। सेल में क्या हुआ? तो सेल में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाया गया? एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए O2, ठीक है। दूसरा बात, अब यहाँ पे अगर मान ले, ध्यान सुनो, अगर मान ले O2 क्या किया, वो O2 कराया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएगा बोलो सर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराया किसी भी फूड प्रोडक्ट का, तो क्या बनाया इसको? CO2, हाँ ठीक है, CO2 बनाया, फूड को ऑक्सीडाइज किया, कौन? O2, और क्या बनाया? CO2। उसको अच्छे से लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, खाली सुन लो अभी कहानी, फोटो बनाएंगे अच्छे से, सुनो ठीक है। CO2। अब इस CO2 वापस via इसी रूट वापस कहाँ जाएगा? एटमोस्फियर में। तुमको ध्यान से दिखाई दे रहा है कि तुम O2 लिए हो बाबू और CO2 बाहर की हो, ठीक है। यही प्रोसेस खाली कहलाता है ब्रीदिंग, और अच्छे से समझ में आएगा इसको, खाली इतना तुमको समझ में आया, रेस्पिरेशन नहीं है। अब मेरा बात ध्यान सुनना, सुनो यार, देखो सुनो, यहां बना एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियर से बनाए लंग्स, ठीक है, लंग से बनाए हम, चल ब्लड, ब्लड से बनाए सेल, ठीक है। अब मेरे को बात सुनना, इतना तुमको समझ में आ गया पहले, अच्छा से अभी खाली बात सुनो, एटमोस्फियर से O2 कहाँ आया? लंग्स में। लंग्स से कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ गया? सेल में। अब सेल में इसको यूटिलाइज किया गया क्या बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहां से CO2 निकला, CO2 वापस इसी विया इसी रूट वापस एटमोस्फेयर में, CO2, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरा बात सुनो, एटमोस्फेयर से लंग्स तक तुम जितना कार्यक्रम किया ना बाबू, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, या इसी को बोलते हैं तुम्हारा क्या? प्राइमरी वेंटिलेशन, ठीक है, या इसी को तुम्हारा एक और नाम दिया जाता है क्या? एक्सटर्नल ब्रीदिंग, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चकाचक एकदम चला दे कहानी आगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद लंग से ब्लड में एक्सचेंज होगा, ठीक है, ब्लड से फिर इस सेल में जाएगा, अभी सेल तक पहुंचा, यूटिलाइज नहीं हुआ है। मेरा बात ध्यान से सुनना बाबू, O2 लंग्स तक आया, लंग्स से वापस सेल तक गया, सेल में यूटिलाइज नहीं हुआ है। इसको लिख लो, यूटिलाइज को लिख के काट देना, यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक यूटिलाइज नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी, जरा सा भी सुन मैं। अब मेरे बात सुनो, अब O2 कहाँ आया? सेल के अंदर। सेल के अंदर आने के बाद अब ये होगा यूटिलाइज। तुम लोग को बताया फूड प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, हाँ कस के हाँ बोलिए, जबरदस्ती तो नहीं बोलवा रहे। O2 आया सेल के अंदर, सेल के अंदर अब फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, तो O2 होगा यूटिलाइज। खाली इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी मेरा बात सुनो, रेस्पिरेशन छोड़ दो अभी, अब इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आया ना बात? तुम लोग को एक बात समझ में आया? क्या समझने वाली बात है कि रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनना अभी वाला मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना, रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप। पहला ब्रीदिंग या प्राइमरी रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, क्या क्या बोला? इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
पक्का एक जनरल बात, अब एक बात सुनो बाबू, इसको लिखना है किसको तो लिख लो, एफ लिखना तो लिख लो कि रेस्पिरेशन तीन पार्ट से मिलकर बना है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इज्जत देने के लिए सुन लो, काम का नहीं है भाई, सुन लो। जीएस कार्टर साइंटिस्ट का नाम मेडिकल कॉलेज के बुक में मिलेगा, जो बोले रेस्पिरेशन होता है थ्री स्टेप में, पहला दूसरा तीसरा, पहला को बोले एक्सटर्नल, दूसरा को बोले इंटरनल, तीसरा को बोले सेलुलर, ठीक। आगे लिख लो अपना सर, पता है अच्छा से लिखो, ठीक है। अब मेरी बात सुने, बात अच्छा, क्यों ओटू आया लंग्स में? सही बात है, बंदा सही बोल रहा है, सुनो मेरे बात, इस पे भी बात करता हूं, सुनो क्या है ना, क्यों ओटू तुम्हारे लंग्स में आया? हमें तो उससे क्या हो गया भाई भैया, हाँ डिफ्यूजन, सही बात, काहे से डिफ्यूजन का है वो, हाँ सही बात है, तो प्रेशर ग्रेडियंट से क्या फर्क पड़ गया, क्यों प्रेशर ग्रेडियंट क्या सिग्निफाई करता, क्यों उधर सुधर गया? लो पोटेंशियल, सही बात है, कोई भी चीज जो कोई बोलेंगे टेंशन ना लो। क्या है ना, संसार का नियम है, क्या नियम है संसार का, बहुत बड़ा नियम है कि कोई भी चीज अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपना लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, कोई भी चीज अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपना लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा तुम बोला ये बात, लेवल लेवल से तुम्हारा क्या मतलब है, बराबर मतलब एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, खाली इतना सुन लो, थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे पर खाली इतना बात सुनो, क्या है ना कि इधर कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर मान लो कोई भी चीज है, इसका कुछ अपना पर्टिकुलर एनर्जी होगा, ठीक, अगर मान लो इधर आएगा तो छिटा जाएगा, ठीक है, तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, बंट गया ना, बस इसी कारण से अपना एनर्जी को कम करने के लिए। तुम आज तक जो भी फिजिक्स पढ़ा होगा बाबू या जो भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तुम यही देखा होगा कोई भी रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो अपना एनर्जी को कम करने के लिए, असली में कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन क्यों आता है, अपना एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है, वैसे बहुत डेप्थ में बात होता है आगे जाके मेडिकल कॉलेज में नहीं, पर काम का नहीं है, उड़ा दो उसको, खाली इतना कहना चाह रहे हैं कोई भी चीज अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपना लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, इस संसार का नियम है, तुमको यही बात ध्यान रखना है, ठीक, कोई भी चीज अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपना लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। एक बात बता, एटमोस्फियर से ऑक्सीजन कहाँ आया, लंग्स में, ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज्यादा, कहाँ एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ गया, चार्ट बनाया था ब्लड में, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा ऑक्सीजन का, लंग्स में, फिर ब्लड से कहाँ गया, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा, हाँ, फिर सेल में आया, सेल से CO2 कहाँ गया, सेल से, सेल में O2 यूज हुआ बना ATP, ठीक, और CO2, CO2 किधर गया, ब्लड में, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा, सेल में, फिर ब्लड से कहाँ गया, लंग्स में, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा, ब्लड में, फिर लंग्स से कहाँ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा, लंग्स में, समझ में। अब एक लाइन बहुत अच्छे से लिख लेना कि रेस्पिरेशन फॉलोज द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, कोई भी चीज अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपना लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, लिख ले लाइन चुपचाप कि रेस्पिरेशन फॉलो द स्टेप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब कुछ कुछ बातें, रेस्पिरेशन इज हम छोटा में लिखे हैं भाई, कुछ छोटा नहीं मान रहा, ठीक, इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फिर समझाएंगे, चार लाइन लिख लो खाली, चार लाइन हम बोल रहे हैं उसको लिखो फिर समझाएंगे, ठीक, CO2 यूनिवर्सली टॉक्सिक, NH3 मोर टॉक्सिक, ठीक, ह्यूमन डू रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, रेस्पिरेशन को हम लोग बोले कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है बाबू, कोई जानता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना बाबू, तुम्हारा बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है, मेरा बात ध्यान सुनना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक एक वर्ड समझो, मेटाबॉलिज्म ये जीवन भर काम आएगा, मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तुम्हारा बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है ना उस सबको इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, कुछ रिएक्शन कुछ चीजों को तोड़ रहा होगा, कुछ रिएक्शन कुछ चीजों को बना रहा होगा। अब मेरे बात ध्यान सुनना, जैसे कि
ग्लूकोज का एग्जांपल ले ले, अभी हम लोग देखे ऑक्सीजन ले रहे थे, ऑक्सीडाइज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था और फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो एनर्जी मिल रहा था, हो रहा था ना, ठीक है। अभी समझ में आएगा, खाली सुनो, मेटाबॉलिज्म जो है तुमको हम क्या बोले, ओवरऑल रिएक्शन जो भी हुआ उसको हम बोले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीज होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। सुनो, कैटाबॉलिज्म क्या होता है ना, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो टूटे, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो टूटे तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कोई भी रिएक्शन जो जो जुड़े, एनाबॉलिज्म। कोई दिक्कत है, अब समझ में आ रहा है पक्का? अब एक बात ध्यान सुनना, फूड को तुम लिए, ऑक्सीजन को तुम लिए, फूड का तुम क्या कराया, ऑक्सीडेशन, क्या बना, CO2+ ATP। एक बात बता, फूड टूटा है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि कैटाबॉलिज्म हुआ है कि एनाबॉलिज्म हुआ है? काहे कैटाबॉलिज्म हुआ है, कैसे बता तुमको, सिंपल प्रोडक्ट, तो सिंपल प्रोडक्ट में आ गया तो टूट गया, कैसा लॉजिक है बे? तो कॉम्प्लेक्स था तो सिंपल में टूटा तो वो कैटाबॉलिज्म ही हुआ है, जरूरी नहीं है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो, तुम फूड जो भी लो बाबू, एक बात बताओ तुम, हमको भी नहीं मान लें टेम्पररी, हमको भी नहीं पता क्यों कैटाबॉलिज्म है क्या एनाबॉलिज्म। एक बात तुम बताओ, तुम क्या बाहर से तुम खाली क्या दिया, फूड था, एक तो फूड था, एक तुम ऑक्सीजन दिए हो, एक फूड था एक ऑक्सीजन दिए हो, और उधर क्या बना, CO2 और ATP। उसी कहां से आया भाई, तुम कहीं से दिया था क्या? वो जो सी था, CO2 का सी, फूड में तुम किया क्या, O2 लिया, इसको तुम बनाया CO2+ ATP, वहा यही हुआ है। अब एक बात बता, तुम जो O2 दिया, तुम खाली यही ना दिए हो बाहर से, यही ना तुम दिए हो, यही आदमी दिए हो ना बाहर से, इसी कहां से आया, फूड से, फूड से। और गारंटी है कि अगर इस सी बाहर CO2 गैस बन के बाहर निकल रहा है तो इससे टूट के ही सी निकला होगा। अबे फूड को ले थोड़ी चल जाएगा, सी से बाहर निकला होगा टूट के इसको, सही बात है। अबे हाँ, तो तुमको ये बात दिख रहा है कि यहाँ जो है कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, देखो ना, तब तो CO2 बना है, नहीं इसीलिए कैटाबॉलिज्म है। तो तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, काहे का कि तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, फूड को तोड़ोगे, फूड को तोड़ोगे तो भैया उससे एनर्जी और CO2 निकलेगा, और तुमको दिख रहा है कि CO2 बनाने के लिए तुमको इससे इसको कार्बन चाहिए, कार्बन कहां से है, इससे दिए ही नहीं कार्बन तो कहां से है अपने, मैंने समझ आ रहा है। दूसरा चीज सुनो, क्या लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा बात, दोनों लाइन में वो रटना है, CO2 यूनिवर्सली टॉक्सिक, NH3 मोर टॉक्सिक। एम्स 2011 में आया हुआ बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, CO2 मोर टॉक्सिक, NH3 यूनिवर्सली टॉक्सिक, हाँ सी उल्टा, हाँ सही बात है यार, सही बात है, NH3 मोर टॉक्सिक, CO3 यूनिवर्सली टॉक्सिक, कैसे याद रहेगा, हम भी कंफ्यूज करते हैं, कैसे याद रहेगा, जिस तरह कण कण में राम है उसी तरह कण कण में CO2, भैया जिंदा चीजों में CO2, हर जगह CO2, तुम किससे बनाए, कार्बन से, डाउट है, ठीक है, ठीक है, जिस तरह कण कण में राम है उस तरह हर जिंदा चीज में CO2, यूनिवर्सली टॉक्सिक CO2, मोर टॉक्सिक NH3। तुम रेस्पिरेशन क्यों किए, खाली O2 लेने के लिए, नहीं, CO2 रिलीज करने के लिए भाई, ठीक है। अब समझ में आया रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन तीन प्रोसेस का साम है बाबू, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। एक्सटर्नल क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस या ब्रीदिंग, तुम जो बोलना है बोल लो। इंटरनल क्या होता है, सेल तक आने का, यूटिलाइज, नहीं तो यूटिलाइज हुआ तो क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आएगा, लास्ट क्या लिखेंगे, ह्यूमन डू रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अच्छा, इसको एक लाइन और बोलते हैं, तो बता सकते हैं क्यों, मान जाएंगे, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन, रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी से केमिकल रिएक्शन तक पहुंच रहे हो, समझ में आ रहा है। सुनो, हम सांस लेने वाले, तो मेरे हम जो सांस अगर ब्रीद किए बाबू, तो CO2 भी गया, पक्का गया, O2 भी गया, मान लिया फ्लोरीन छोड़ दो, फ्लोरीन भी जाएगा, फोजिन जहरीला गैस, नहीं, मान लिया फ्लोरीन छोड़ दो F2, तो भी जाएगा, पक्का जाएगा, तो हम लोग किसी और गैस के बारे में क्यों नहीं बढ़े, जब लाइन में आप ई लिखे हैं सर, तो किसी और गैस के बारे में कहीं नहीं बात किए, खाली O2 के बारे में क्यों बात किए, सही बात है, क्योंकि बाकी गैस भी गया, N2 भी गया, बाकी सारा गैस भी गया, पर यूटिलाइज खाली CO2 हुआ, बाकी सब बाहर आ गया, जैसे गया वैसे बाहर आया, पर दुनिया का नियम है कि जो उसके काम आए दुनिया ने उसी को याद रखा, सही बात है।
तो भैया एकदम पढ़ते रहे मन लगा के, जल्द से जल्द काबिल बनने की कोशिश। हम लोग देख रहे हैं अभी सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग रेस्पिरेशन देख रहे थे, रेस्पिरेशन का हम लोग जनरल एक बात समझे ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो रास्ता है हम लोग का, जो रेस्पिरेशन का जो पूरा रास्ता है पैसेज है वो, पहले उसका एनाटॉमी देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे काम करता है ठीक है। तो हम लोग भी देखने जा रहे हैं एनाट, हम बनाए क्या नोस ठीक है। अरे बात ध्यान सुनना ठीक है, तुम लोग नोस देख रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, देखो तुम लोग नोस देख गया पक्का ठीक है। देखो ये बीच वाला पार्ट है निजल सेप्टम, इसको निजल चेंबर बोलता है, इसको निजल कैविटी बोला जाता है, इसको सुनो इसको क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल ठीक है, और तेरा इंटरनल लेंस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो टिप है ना, टिप ऑफ नोज कौन सा कलर होगा, ठीक। अब कुछ कुछ बातें तुम लोग, ये तो हुआ नहीं हुआ यार, एनिमल टिश्यू तुम लोग का नहीं हुआ, किसी का एनिमल टिश्यू तो नहीं हुआ। सुनो देखो, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज तुम लोग का बना हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज, इसको लिखो जरूरी है। ठीक है ये देख दो इलास्टिक है ना, दबा लो कितना भी फिर खड़ा हो जाएगा, है इलास्टिक है। दूसरा बात, तुम लोग का जो नेजल सेप्टम बना हुआ बाबू, ये बना हुआ हाइलिन कार्टिलेज से, फोटो के बगल में लिखते चलना ठीक है। नेजल चेंबर, नेजल चेंबर बना हुआ है तीन बोन से बाबू, नेजल चेंबर इज मेड ऑफ थ्री बोन, इथमोइड मैक्सिला और लास्ट नेजल ठीक है। तो दिक्कत नेजल चेंबर जो होता है ये होता है जिगजैग, कुछ कुछ बात सबके बारे हो गया। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में लिख लो यही तो होता है हेयर प्रेजेंट, हो गया था। अब मेरी बात ध्यान सुनो ठीक है, तुम लोग क्या बनाया नोज, ओपनिंग कैसा है दो। दूसरा बात सुनो, इसके पहले एयर कहाँ आया तो नोज का ओपनिंग से, ओपनिंग के ऊपर क्या है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जो तुम्हारा है बाबू वहां पे क्या होता है हेयर प्रेजेंट, और यहीं पे सेबेशियस ग्लैंड भी होता है लिखो ठीक, जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं। अबे सेबेशियस बोल रहा म्यूकस ग्लैंड, करो 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 सुनो मेरे पास सुनो, इथमोइड मैक्सिला और नेजल, एक नेजल का कवरिंग होता है, नेजल कहां पे होता है देखो तुम्हारा जो नाक है ना बाबू, नाक इसके ठीक ऊपर सरफेस पर ठीक है, ठीक ऊपर सरफेस पर होता है नेजल, ये कवर होता है एक एपिथीलियम से। तुम लोग एनिमल टिश्यू नहीं पढ़े हो तो तुमको नहीं पता, अभी अभी भर लो लिख लो, जो एनिमल टिश्यू आएगा ना तब इस पर गजब का मजा आएगा ठीक है। नेजल का जो पार्ट है नेजल बोन जो है कवर होता है एक एपिथीलियम से, इसका नाम है ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। क्या बोले हम ठीक है, किसे ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, यही वो एपिथीलियम है जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा स्मेल के लिए ठीक है। मैं लिख लो बाकी दोनों किसे कवर्ड होता है, तो बाकी दोनों कवर्ड है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम। अब तुम्हारा जो वेस्टिबुल के ऊपर जो नेजल चेंबर है कैसा है, जिगजैग है। क्यों जिगजैग है, ताकि इफ कोई पार्टिकल वेस्टिबुल से होते हुए नेजल चेंबर में जाए तो वो वहां पे फंस जाए, जिगजैग होने का कारण यही है कि कोई पार्टिकल ऊपर ना जाए, इंटरनल लिख दिया एक्सटर्नल होगा, ई होगा ई ई ई आई पीछे, ये क्या ये ठीक है, तो आई कर लो ना यार स्पेलिंग भूल रहा हूँ। सुनो मेरा बात, समझ में आया तुम लोग को, मेरी बात ध्यान सुनना, एयर कहाँ आया पहले नाक पे, नाक सबसे बाहर वाला सरफेस होता है कहाँ क्या, वेस्टिब्यूल पे, वेस्टिब्यूल में यहीं पे होता है हेयर्स, हेयर्स प्रेजेंट होता है स्किन, स्किन का पार्ट जो ये तुम स्किन का जो ढीला वाला पार्ट देखो उसको क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसके ऊपर क्या जिगजैग, जिगजैग होते हुए क्या है नेजल चेंबर, नेजल चेंबर इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स, साथ साथ बोलो कैसे बोलो, इथमोइड मैक्सिला नेजल ठीक, इथमोइड और मैक्सिला कवर्ड है किसे, सूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वे कसके बोलो, हम अकेले तुम लोग का वॉइस, वाह कसके बोलो, सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम, क्या बोले, सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम ठीक है।
वेस्टिबल, वेस्टिबल किसे का वर्ड है? तो हेयर यहाँ प्रेजेंट है, सेबेशियस ग्लैंड प्लस म्यूकस ग्लैंड, ठीक। उसके ऊपर आओ, उसके ऊपर क्या है? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर होता है जिगजैग, तीन बोन से मिलकर बना है, इथमॉइड और मैक्सिला को कवर कौन किया? सूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेजल को कौन कवर किया? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। यही वो एपिथेलियम है जो तुम्हारा किसके रिस्पॉन्सिबल है? स्मेल के लिए। अब एक बात और सुनो, इस जो मेम्ब्रेन है इसी को बोलते हैं सेचिडेरियन मेम्ब्रेन। लिखना है तो लिख लो, काम का नहीं है, इज्जत देने के लिए। सेचिडेरियन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ठीक। इस जानना है तो, नहीं है तो भूल जाओ, समझ आया ना। उसके बाद कहां गया? जिगजैग। जिगजैग से होते हुए फिर कहां गया? वो इंटरनल नर्व्स। उसका दिख किधर खुलेगा? तो उधर पीछे साइड खुलेगा, उसको बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। सब देखना है अभी, रुको ना, इतना समझ में आया पहले तुम लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है बाबू? जरा सा भी, ठीक है। अब एक बात सुनो, इससे क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ही उठता है, रेड मार्क लगा लो उसको, कौन किससे कवर्ड है। एक बात और सुनो, ठीक है, तुम्हें कोई बुक में लिखा नहीं मिलेगा, वो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस आया है। क्या है ना कि जहां जहां हवा, लिख लेना इसको, जहां जहां हवा, एक्सेप्ट एक्सचेंज छोड़ के, एक्सचेंज छोड़ के, जहां जहां हवा वहां वहां सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जीवन भर काम आएगा भाई, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस हम देखे हैं, मतलब कुछ काट लो, ब्रोंकस ब्रोंकाइटिस कुछ काट लो, समझ में आया तुम लोगों को? क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे, ध्यान से सुनना बात। जहां जहां हवा वहां वहां सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। खाली एक जगह छोड़ के, कहां? जहां पे एक्सचेंज होगा वहां पे छोड़ के। कहां एक्सचेंज होता है? एल्वियोलाई में। वहां छोड़ के क्या चाहे छोड़, रेस्पिरेटरी पैसेज दो पार्ट का तुम लोग को जोन याद? छोड़ो नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं है, छोड़ भी। जहां खाली एक्सचेंज होता है उसको छोड़ के सब जगह कहां क्या? सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कोई बोला ट्रकिया में कौन सा एपिथेलियम है? सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। प्राइमरी ब्रोंक्यूल में सूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कोई दिक्कत नहीं। जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वहां क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जहां तो इसको खाली लिख ले, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है वहां क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कोई दिक्कत है यहां? बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, पता है? इसका भी कुछ नाम देते हैं भाई, ओपनिंग नाम ही भूल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ई वाला और ई वाला, ठीक है। इस मॉडल के बारे में लोग अक्सर नहीं पूछते हैं, पर उधर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो उधर लो, बाकी देखो, अच्छा एक चीज ध्यान दिया तुम लोग, देखो ये जो पार्ट है नेजल सेप्टम किससे बना है? हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बना है? हाइलिन कार्टिलेज से। ये टिप बना है किससे बना है? इलास्टिक कार्टिलेज से। टिप किससे है? इलास्टिक कार्टिलेज से। और किससे बना है? हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज हार्ड है कि सॉफ्ट है? देखो बोन से कम हार्ड है कि बोन से ज्यादा हार्ड है? कम हार्ड है, ठीक। अगर बोन से कम हार्ड है तो हाइलिन कार्टिलेज है। दूसरा बात, अभी हम लोग देखने जाएंगे, देखेंगे हम लोग ट्रैकिया और सब देखने। एक बात और सुनो बाबू, तुम जो भी बोनी स्ट्रक्चर भी देखोगे ना लंग्स में, चाहे वो सी रिंग हो चाहे कुछ हो, सब हाइलिन से बना होगा। हम लोग रटते हैं बेसिकली इसको, बुक में दिया भी रहता है, पर अभी भर के लिए सुन लो खाली। क्यों? खाली एक ही चीज तुमको हाइलिन से, इलास्टिक से मिलेगा आगे जा करके, वो है सिंगलेट रिंग शेप में कार्टिलेज ऑफ सेंटिरोनियम। आना है, करना है, छोड़ना हूं सब अभी, खाली फील्डिंग चल रहा है, एक ही दिन में कितना इधर समझ में आया तुम लोग को? पहली बार समझ में आया? सूडो सर्टिफाइड सिलेटेड कॉमना ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। सूडो सर्टिफाइड सिलेटेड कॉमना ग्लैंडुलर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। ध्यान ही रखना कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? तुम्हारा स्मेल के लिए। हो गया, क्या बनाए थे हम लोग? नो, हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इनडायरेक्टली यूज करते। कोई बता सकता है क्यों? मान जाएंगे को बता दिए हम लोग, जो हम लोग जो ऑक्सीजन लिए है ना बाबू, ऐसे जो सांस लिए हैं हम, प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते। तो बता सकता है क्यों? बोल। ऑक्सीजन हाई, याद क्या था? सिंपल सा बात है, बोल दो। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब तुम अगर प्योर ऑक्सीजन लेगा ना तो आखिरी बार लेगा, अरे पूरा काला हो जाएगा। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरा अंदर पूरा जला देगा। ऑक्सीडाइजिंग H2SO4 पे, H2SO4 कॉन्क हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो ना कहीं, दिल खुश कर देगा एकदम, और फेफड़ा उदास। हमें सही बता रहा है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम लोग प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? मिक्स एयर लेते हैं हम लोग, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्योर नहीं रहता है, तो आखिरी बार लोग है ना। अच्छा जो टैंक रख रहा था ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का, वो भी मिक्स रहता है, प्योर नहीं रहता है। प्योर लेगा तो पेशेंट उठेगा नहीं, ठीक है।